तो टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को लेकर कल हम सब बहुत परेशान थे, लेकिन आपको बता दें कि एक बड़ी अपडेट आ रही है, और अपडेट ये है कि बीसीसीआई जो है वो अब ऋषभ पंत की ट्रीटमेंट मुंबई में कराएगी, या फिर मुंबई से हो सकता है कि उनको अब्रॉड यानी कि आउट ऑफ इंडिया भी भेजा जाए। जो अभी इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसके हिसाब से ये माना जा रहा है कि बहुत जल्दी उनको हो सकता है कि डिस्चार्ज कर दिया जाए देहरादून से। एंड बीसीसीआई का मानना है, जो उनके डॉक्टर्स का मानना है, जो लिगामेंट ट्रीटमेंट है ऋषभ पंत का वो या तो मुंबई में बीसीसीआई के डॉक्टर्स करेंगे या फिर बीसीसीआई उनको अब्रॉड भेजेगी, यानी कि देश के बाहर जाकर उनकी ट्रीटमेंट करा सकती है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्दी देहरादून के जो मैक्स हॉस्पिटल में इस समय एडमिट है, और ये भी माना गया है कि प्लास्टिक सर्जरी ऑलरेडी उनकी हो गई है। जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लास्टिक सर्जरी उनको उनकी हो चुकी है, और कहा जा रहा है कि जो लिगामेंट ट्रीटमेंट है वो बीसीसीआई अपने डॉक्टर्स के थ्रू कराना चाह रहा है, और ऑलरेडी उनके फैमिली को कन्वे कर दिया है बीसीसीआई ने। तो हो सकता है कि ऋषभ पंत को कि मोस्ट लाइकली ऋषभ पंत की ट्रीटमेंट या तो मुंबई में होगी या फिर अब्रॉड यानी कि आउट ऑफ इंडिया ऋषभ पंत को भेजा जाए, जो कि बीसीसीआई, आपको ऑलरेडी मैंने बताया था स्पोर्ट्स टॉक पर कि बीसीसीआई ने ऑलरेडी कहा है कि पूरी ट्रीटमेंट का जो खर्चा है वो बीसीसीआई उठाएगी। तो ये काफी अच्छी बात है, यानी कि बेस्ट पॉसिबल मेडिकल ट्रीटमेंट ऋषभ पंत को बीसीसीआई की तरफ से दी जा रही है। इनफैक्ट यू नो, जो इस समय ट्रीटमेंट चल रही है आपके मैक्स हॉस्पिटल में, वहां के बारे में खबर आई कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पूरी ट्रीटमेंट का खर्चा उठाया है। तो ये मतलब कि प्यार है सभी का ऋषभ पंत के प्रति। एंड बीसीसीआई ने कहा है कि फर्दर ट्रीटमेंट जो ऋषभ पंत का होगा, क्योंकि लिगामेंट की जो ट्रीटमेंट है वो बीसीसीआई अपनी तरफ से कराना चाहती है, इन द सेंस की अपने डॉक्टर्स की देखरेख में कराना चाहती है, दे विल टेक ओवर और वहां पर वो देखेंगे। मोस्ट लाइकली कहा जा रहा है कि मुंबई में उनका ट्रीटमेंट होगा, अदरवाइज हो सकता है, कुछ चांसेस है कि हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि बीसीसीआई उनको आउट ऑफ इंडिया भी भेजे, लेकिन बीसीसीआई चाह रही है कि 100% वो फिट हो जाए, द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट मिले, ताकि यू नो जितना भी समय लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो वापसी करें क्रिकेट मैदान पर तो बिल्कुल वही पुराने ऋषभ पंत के तौर पर हो, जिनको की कोई ज्यादा परेशानी ना हो। तो आई होप कि ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल कहते हैं कि स्मूथ फंक्शनिंग चलेगी, एंड ऋषभ पंत जो है वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए। जल्दी कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 4 महीने, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे वो 5 महीने भी नहीं क्रिकेट खेले, 6 महीने भी नहीं क्रिकेट खेले, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जल्दबाजी नहीं है। बस ये है कि 110% फिट हो जाए, हर तरीके से फिट हो जाए। अच्छी बात यह है कि जो रिपोर्ट्स उनकी आई हैं वो काफी पॉजिटिव हैं, इंटरनल कोई कहीं पर चोट इस तरीके की है नहीं, तो ये कम से कम ऊपर वाले की बहुत बहुत मेहरबानी है कि वो इस भयानक इंसिडेंट से बच गए, नहीं तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छी बात है। और यहां से कम ट्रीटमेंट जो है वो बीसीसीआई के डॉक्टर्स जो है वो यू नो टेक ओवर करेंगे, एंड बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट ऋषभ पंत को मिलेगी। तो आप बने रहिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ में, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी इसी तरीके से हम आपके लिए शेयर करते रहेंगे।